हेलो गाइज, वेलकम टू दी अनदर ब्लॉग। तो अभी मैं फिलहाल लक्ष्मी मंदिर के पास आया हूँ। सुबह में 7:30 बजे उठा, आज ये एक्सरसाइज को नहीं गया क्योंकि कोई भी नहीं आ रहा था। सैटरडे छुट्टी ली थी सब लोग, तो मैं भी नहीं गया। पूरे 9 घंटे की नींद ली मैंने, बहुत मज़ा आया। मतलब आराम से सोया था, फिर उठने के बाद रेडी वेडी हुआ, चाय पी, फिर अभी 9 बज रहे यहाँ पे दुकान को आया था मैं ग्रोसरी का सामान लेने। तो चलते लेते सामान एंड फिर घर जाएंगे। चलते एंड ये टीका है ना, पापा ने लगाया, मतलब घर में ही था मैं आराम से, पापा ने मुझे लगा दिया एंड बोला कि अच्छा दिख रहा है, तो मैंने भी लगा लिया एंड रखा भी है, वरना मैं खोल देता था अभी तक ब्लॉगिंग की वजह से। तो अभी चलते हैं, सामान लेते हैं एंड फिर घर जाएंगे। एंड पापा जो है ना, मुझे बोल रहे थे कि मतलब तू आजकल बहुत टेंशन में लग रहा है, अपसेट दिख रहा है, नाराज़ है, ऐसा दिख रहा है, ऐसा बोल रहे थे पापा। मुझे पता नहीं पर ऐसे बोल रहे थे पापा, अभी मुझे क्या पता। एंड आज जो है ना, पापा मम्मी जो है ना घर में ही है एंड मैं भी आज घर में ही हूँ, सब लोग घर में ही है। अगर पापा मम्मी फार्म को जाएंगे तो दोपहर के 2 बजे के बाद जाने वाले ऐसे बोल रहे थे, तो देखते हैं क्या होता है। पापा मम्मी जाएंगे तो अच्छा होगा, मैं अकेले में मज़ा आता है मुझे ज़्यादा, तो मतलब व्लॉग भी आराम से कर पाता हूँ इसलिए। अभी जो है ना दोपहर के 1:30 हो रहे हैं एंड सुबह से मैंने 2 टाइम खाना खाया एंड थोड़ी पढ़ाई की, आईटी की रीडिंग एंड थोड़ा बीजेम खेला, थोड़ा दोपहर में सॉरी सुबह 1 घंटे रेस्ट ली थी फिर से क्योंकि मेरी आँखें एंड सर दर्द कर रहा था इसलिए। एंड अभी मुझे 1:30 हो रहे ना, तो फ्रेंड के साथ बीजेम खेलने वाला हूँ जो कि पुणे में रहता, मतलब ओल्ड फ्रेंड है उसके साथ, तो बीजेम खेलूँगा मैं अभी। चलते हैं बीजेम खेलते हैं। एंड पापा मम्मी ने ना कहाँ पे बाहर नहीं जाने वाले आज के दिन, पापा मम्मी जो है घर में ही है। तो गाइज आज का जो दिन है ना एकदम मस्त गया, मतलब क्या बताऊँ मैं। अभी जो है शाम के 6 बज रहे हैं एंड मैंने दोपहर में 2 घंटे पढ़ाई की, बीजे में बस आधे घंटे खेला एंड 2 घंटे जो है ना आईटी के 2 चैप्टर्स पढ़े पूरे, मतलब आराम से पढ़े। फिर अभी यहाँ पे आके 1 घंटा बीजे में खेला, फ्रेंड के साथ खेल रहा हूँ जो पुणे में रहता है। हम दोनों ना हॉस्टल में, एक ही हॉस्टल में थे इसलिए उसके बाद खेल रहा था। अभी सुबह क्या होता, मैंने आपको एक बात बतानी सुबह दोपहर में कि पापा ने ना, मतलब मैंने पापा को फ़ोन लिया था उसमें इकोग्निटो मोड में मेरा व्लॉग देख के, फिर से पापा को वो सारा सब कुछ बैकग्राउंड रिसेंट में से हटा के दिया था। फिर पापा ने थोड़े देर बाद यूट्यूब खोला और वो मैंने इकोग्निटो मोड बंद नहीं किया था तो मेरा व्लॉग भी सामने दिख गया। एंड पापा ने मतलब जैसे चालू किया मुझे आवाज़ आई, मतलब मैं सामने बैठा था मुझे आवाज़ आई एंड मैंने डायरेक्ट पापा से मोबाइल लिया, वो सब कुछ बंद किया। पापा को मतलब दिख गया, पापा को मतलब पता नहीं मैं ऐसे ऐसे करता हूँ व्लॉग करता हूँ, उनको इतना ज़्यादा कुछ पता नहीं है पर पता चल गया कि यूट्यूब पे कुछ तो है। कुछ तो पापा से मम्मी पापा से छुपा के मैं कुछ तो कर रहा हूँ ऐसा पता चल गया पापा को, बाकी कुछ नहीं। एंड फिर सब कुछ हो गया, दोपहर में 3 बजे खाना खाया, 3 बजे के बाद खाना नहीं खाना था पापा बोल रहे थे इसलिए 3 बजे के अंदर ही खाना खाया एक और बार, मतलब सुबह से 3 टाइम खाना खाया मैंने। एंड अभी फ़िलहाल 6 बजे मैं फिर से फ्रेंड के साथ बीजे में खेलते बैठने वाला हूँ, ठीक है। आज सुबह से ज़्यादा कुछ भी नहीं हुआ, मैं दिन भर घर में ही था एंड बस टाइम पास कर रहा था, थोड़ा पढ़ाई एंड सुबह ज़रा आँखों में दर्द हो रहा था इसलिए सुबह सो गया था मैं, इतना ही हो गया है। एंड बस पर थोड़ी पढ़ाई, थोड़ी बीजे में, थोड़ा स्लीप, इतना ही हो गया आज, कुछ नहीं हुआ ज़्यादा। तो अभी मैं फ़िलहाल यहाँ पर मस्त हमारे रेलवे के साइड बैठ के बीजे में खेलूँगा मस्त आराम से, बहुत खेलने का मन करता है मुझे, तो जितना है अभी खेलूँगा 2-3 दिन उसके बाद डिलीट करूँगा। एंड पढ़ाई कर रही है बोर्ड की। जब सुबह से कुछ व्लॉग नहीं होता ना तो बहुत टेंशन आता है, मतलब सुबह से कुछ भी नहीं व्लॉग हुआ इससे मतलब बहुत टेंशन आती, क्या बोलूँ। अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है, कुछ तो बन गया, मतलब कुछ तो बोल दिया, टाइम 1-2 मिनट, मतलब 4 मिनट का तो व्लॉग हो ही गया अभी, तो मुझे ना डेली 7 मिनट। आप अभी देख रहे रहेंगे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग करने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब 7-7 मिनट का व्लॉग बना रहा हूँ मैं, अच्छी बात है ना। पहले जो है ना बीच में बस 3-4-5 मिनट के व्लॉग बना रहा था, तो अभी मैंने थोड़ा मन में लेके और जब जब का तभी व्लॉग बना रहा हूँ। आज दिन भर घर में था, पापा मम्मी गए तो
व्लॉग नहीं कर पाया मैं घर में। ये पापा में जब होते ना तो बार बार बाहर आना, जब मैं बोलता हूँ ना घर में आराम से आवाज़ जाती है, इसलिए नहीं कर पाता कभी कभी। मैं जो हूँ ना मेरे बर्थडे पे पापा मम्मी को बताने वाला हूँ, मतलब सब कुछ क्लियरली बताने वाला, ऐसा ऐसा ऐसे करने वाला करता हूँ, ऐसा ऐसे सब कुछ बताने वाला हूँ मेरे बर्थडे पे 177 ब्लॉग पे। तो अभी 138 ब्लॉग है, तो अभी मैं चलता हूँ एंड विजय में खेलता हूँ। मेरे पास जो है ना सुबह 500 के मतलब 200, 100, 150, 50 के ऐसे नोट्स थे, तो पापा ने मुझे क्या किया, ग्रोसरी लाना था इसलिए 500 की नोट दी, तो मैंने 500 की और नोट मेरे पास रख ली एंड मेरे पास के जो 500 थे ना चिल्लर वो ग्रोसरी में खर्च कर दिए। तो हमारे पास अभी कड़कती हुई 500 की नोट है, कितना अच्छा लगता है। तो अभी जो है ना बहुत टाइम हो चुका है बीजेएम खेल के, मतलब 1.5 घंटा फ्रेंड के साथ बीजेएम खेला। मैं ये एमवीपी रहा लास्ट मैच में 8 किल के साथ एंड उसके थे 12 या फिर 13 किल, तभी भी एमवीपी में था। एंड अभी देखो ये चांद जो है ना पूरा है, मतलब आज पूर्णिमा है तो आज चांद जो है फुल चांद। एंड आज जो है ना लोग जो है ना तुलजापुर को जाके आते दर्शन लेने के लिए। अभी हम चलते हैं घर चलते हैं, पढ़ाई वढ़ाई करेंगे, खाना वाना खाएंगे, देखते क्या खाने का कुछ पता नहीं, अपन पढ़ाई चलते हैं, पढ़ाई करते हैं। आईटी का थर्ड चैप्टर पूरा पढ़ के ही रहूँगा अभी, ठीक है चलते हैं। चांद जो है ना येलो कलर का चांद है आज, येलो कलर का, डेली ज़रा वाइट रहता है या फिर येलो ही रहते पता नहीं, पर आज येलो कलर का चांद दिख रहा है। अभी जो है ना हमें जाना है ऊपर मार्केट में एंड मार्केट से जो है दूध लाना है, और दूध नहीं लाया ना आज पापा मम्मी के दूध भी नहीं गए, तो ऊपर जाना है दूध लाना है, बाइक भी हमारे साथ चलते हैं एंड दूध लाते हैं। एंड 9 बजे जो है खाना खाना है, मुझे लगा था आज खाना ही नहीं खाना। अभी रात के जो है ना 10 बज रहे हैं एंड खाना हो चुका है, चांद जो है पूरा वाइट है एंड पढ़ाई जो है ना हमारी मतलब पढ़ाई नहीं हुई कुछ भी, तो अभी 10 बज रहे तो मुझे सोना है। ये एडिटिंग भी हो गई, 7 मिनट का ब्लॉग बन गया, तो अभी एडिट ये एक्सपोर्ट करके शॉर्ट एडिट करके एक्सपोर्ट करके अपलोड करके सोना है। तो गुड नाइट, मिलते हैं कल, जाते जाते लाइक एंड सब्सक्राइब करना, गुड नाइट। कल का मेरा प्लान है कि आईटी की जो है ना पूरी टेक्स्ट बुक पढ़नी है, मतलब 6 के 6 चैप्टर्स पढ़ने हैं हमें कल, कुछ भी करके अगर होगा तो अच्छी बात है।